शिवानी बहुत ही घरेलू और संस्कारी लड़की थी जिसने अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और उसकी सास भी उसे माँ जितना ही प्यार दिया करती। लेकिन उसका पति शहर की एक कंपनी में कुछ महीने पहले ट्रांसफर लेकर चला गया था और आज शिवानी बहुत खुश थी। वो अपनी सास से खुश होकर कहती है, सासु माँ आज मैं बहुत खुश हूँ, पूरे 10 महीने बाद इनकी कंपनी ने इनको वापस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, अब वो मेरे साथ यहीं रहेंगे। हाँ बहू, इन दिनों में मुझे भी मेरे बेटे की बहुत याद आई, लेकिन एक पत्नी का अपने पति से इतना समय अलग रहना बहुत बड़ी बात है। माँ जी आज मैं उनकी पसंद के सारे पकवान बनाऊंगी, छोले भटूरे, टिक्की, रसमलाई, पता नहीं बाहर का खा खा कर उन्होंने अपनी हालत कैसी कर ली होगी। इतना कहकर शिवानी अपने पति के इंतजार में सब तैयारी कर लेती है और उसकी पसंद की सब डिशेस बना कर रखती है। अगले दिन शिवानी और उसकी सास आरती की थाल लिए योगेश का इंतजार कर रहे थे कि तभी योगेश एक शालू नाम की लड़की के साथ घर के दरवाजे पर आता है और मीरा कहती है, योगेश कैसा है बेटा तू, मेरे कलेजा ठंडा हो गया तुझे देखकर, और ये साथ में कौन है, तेरी बॉस है क्या? माँ ये मेरी दूसरी पत्नी है, मुझे वहाँ इससे प्यार हो गया तो मैंने शादी कर ली, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। शिवानी ये सुनकर बुरी तरह टूट जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह खुद को संभाल भी लेती है। जब सब एक साथ खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो खाने में अपनी पसंद का सब खाना देखकर योगेश कहता है, वाह ये सब खाना तुमने मेरे लिए बनाया है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन रास्ते में शालू को भूख लगी थी तो हमने अंडा बिरयानी खा ली, मेरा तो पेट भरा है, तुम मुझे बस रसमलाई दे दो। बहू योगेश की हरकत से मेरी तो भूख ही मर गई, तू मुझे बस रसमलाई दे दे, मैं खाकर सो जाऊं। माँ जी ऐसा मत बोलिए, फिर जो मैंने इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? सौतन जी आप चिंता मत करो, मेरे पेट में बड़ी जगह है, मैं सब कुछ खा लूंगी। इतना कहकर शालू खाना शुरू करती है और खाते खाते बर्तनों को इतना साफ कर देती है जैसे मानो कि उनको किसी ने धोकर रखा हो। ये सब देखकर शिवानी मन में कहती है, ये सौतन है या भूखी सौतन, सुहाग खाकर इसका पेट नहीं भरा, जो सुहाग के लिए बनाया हुआ खाना भी एक पल में चट कर गई। शिवानी उसे मन ही मन सुनाकर चली जाती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं। लेकिन योगेश और शालू को साथ देखकर शिवानी के मन में रोज सांप लौटते थे। एक दिन वो अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बहू मेरी भी वही चिंता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, ऐसे ही तेरी भुक्कड़ सौतन 2 महीने का राशन 1 महीने में खाती रही तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। माँ जी यहाँ मेरा सुहाग बटा हुआ है और आपको राशन की चिंता है, मैं यहाँ आपसे योगेश के बारे में बात करने आई हूँ और आप राशन लेकर बैठी हैं। माफ करना बहू, मुझे लगा कि तू भी अपनी भुक्कड़ सौतन के खाने की समस्या से परेशान है। देख बहू एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, अगर तू चाहती है कि योगेश को फिर से तुझसे प्यार हो जाए तो तू आज शाम उसकी मनपसंद खाना बना ले, इससे वो तेरे पीछे भागा भागा आ जाएगा। मीरा की बात शिवानी को भा जाती है, जिसके बाद वो मीरा के आइडिया के हिसाब से रसोई में जाकर योगेश की पसंद का सब खाना बनाकर तैयार करती है। लेकिन योगेश को आने में देर होने पर उसकी सौतन शालू खाना खाने बैठ जाती है और वो फ्लो फ्लो में सारा खाना चट कर जाती है। और जब शिवानी योगेश के आने पर उसके लिए खाना परोसने जाती है तो उसे खाने का एक भी दाना नहीं मिलता, इस वजह से योगेश बिना खाए ही सोने चला जाता है। तो ये सब देखकर शिवानी गुस्से में अपनी सोती हुई सास के कमरे में जाकर उसे फिर से जगाकर बोलती है, माँ जी उठो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सुहाग तो गया लेकिन घर का राशन भी चला जाएगा। अरे क्या बात है बहू, क्यों परेशान हो रही है, चल बता क्या हुआ। माँ जी मैंने उनके लिए उनकी पसंद का सब खाना बनाकर तैयार किया, आपने खा लिया, मैंने खा लिया और उनके लिए रख दिया, मैंने पहले ही 6 लोगों के हिसाब से खाना बनाया था लेकिन मेरी भुक्कड़ सौतन सब कुछ खा गई, अब मैं क्या करूं? बहू अब तो एक ही तरीका हो सकता है, जैसा कि तू जानती है कि उसे खाना खाना आता है लेकिन बनाना नहीं आता, जब तू कुछ बनाएगी नहीं तो वो खाएगी क्या, तू कल सबके लिए खिचड़ी बना कर रख दे, वो एक नंबर की चटोरी है, खिचड़ी देखकर या तो वो खुद खाना बनाएगी या तो भूखी सो जाएगी। शिवानी को फिर से मीरा का ये आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद वो अगले दिन के समय सबके लिए खिचड़ी बनाकर सजा देती है। तभी वहाँ शालू आकर शिवानी से कहती है, अरे ये क्या सौतन जी,
आपने खिचड़ी बनाई है, ये भी कोई खाने की चीज है, कोई बढ़िया पकवान बना देती। सौतन जी, आपके पापा ने यहाँ होटल नहीं खोल रखा, चुपचाप जो बना है ना खाओ और सो जाओ, वरना मत खाओ, समझ आई? अरे आप भड़क क्यों रही है, वैसे तो मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन अब आपने बनाई है तो थोड़ी खा लेती हूँ। शालू इतना कहकर खिचड़ी खाना शुरू करती है, लेकिन देखते ही देखते वो सारी खिचड़ी भी खुद ही खत्म कर देती है और फिर डकार मारकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। ये सब देखकर शिवानी के होश उड़ जाते हैं और वो फिर से अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी जरा पता करो ना गली में कहीं भंडारा हो रहा है क्या, क्योंकि मेरी भुक्कड़ सौतन ने सारी खिचड़ी भी चट कर दी, हम दोनों के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, अब हम क्या खाएंगे, सच में कोई इतना कैसे खा सकता है। जिसके बाद मीरा शिवानी को अगला आइडिया देने लगती है, लेकिन वो सुनने से ही मना कर देती है। वक्त बीतता है और शिवानी के भुक्कड़ सौतन का खाना यूं ही जारी रहता है। एक दिन जब शिवानी और मीरा रसोई में थे तो शिवानी अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने सोच लिया है, मेरी भुक्कड़ सौतन को खाने का बहुत शौक है ना, तो मैं ये जमाल गोटा ले आई हूँ, उसके खाने में मिला दूंगी, फिर पेट साफ करती रहेगी और खाती रहेगी, है ना? बहू आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा देख कर। मीरा के कहने पर शिवानी अपने पल्लू से जमाल गोटा निकाल कर अपनी सौतन के खाने में मिला देती है, लेकिन शालू का खाना योगेश के खाने से बदल जाता है और ये बात शिवानी और मीरा तक को नहीं पता चल पाती। जिसके बाद जैसे ही योगेश उस खाने को खाता है, बार बार बाथरूम के चक्कर लगाता है और उसको इस तरह बीमार होता देखकर शिवानी भी परेशान हो जाती है और उसे तीनों सास बहू लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर योगेश को ग्लूकोज चढ़ाते हैं और इलाज के बाद बाहर आकर कहते हैं, जी देखिए इनको बहुत ज्यादा लूज मोशन हुए हैं, लेकिन अब इनको राहत है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। डॉक्टर इतना कहकर अपने कैबिन में चले जाते हैं और शिवानी, शालू और मीरा योगेश के वार्ड में जाते हैं जहाँ योगेश था। उसके आगे शिवानी रोती हुई कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अपनी भुक्कड़ सौतन को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खाने की प्लेट बदल जाएगी, मुझे माफ कर दो। पर सौतन जी मैंने तो हमेशा आपसे तमीज से बात की, सबका ख्याल रखा और आपने मेरे साथ ये सब किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, सोचो अगर योगेश जी की जगह आज मैं होती तो। आपने ये सब बस इसीलिए किया ना, क्योंकि मेरी थोड़ी ज्यादा खाने की आदत है। खाने के साथ बनाने की भी आदत होनी चाहिए, सामने वाला आपका नौकर नहीं है जो आपके लिए बनाकर परोसता जाए। अगर ये बात आप मुझे सीधे सीधे बता देती तो मैं आपकी मदद करने लगती। तुम दोनों सौतन यहाँ मुझसे मिलने आई हो या लड़ने, बंद करो अपना ये लड़ना, और जब तक मैं डिस्चार्ज होकर घर आऊँ तो तुम मुझे दोनों सौतन की लड़ाई खत्म चाहिए, आई समझ, अब जाओ दोनों। योगेश की डांट सुनकर दोनों वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जहाँ शालू अपने खाने की आदत को कम करती है तो वही शिवानी उससे बिना लड़े उसे खाना बनाना सिखाती है। अब योगेश के हॉस्पिटल से आने पर उसे घर में शांति मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए। सरोज अपनी एक लौती बेटी रिया के साथ रहती थी। ऐसे ही एक दिन अंधेरे में सरोज रॉकिंग चेयर पर बैठकर सोचते हुए बोलती है, समय है कि मैं अपनी बेटी रिया को उसकी सौतेली बहन से मिलवा दूं। वो बड़ी हो चुकी है, समझ जाएगी, उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना ही पड़ेगा मुझे, कल ही शनाया को लेने जाना पड़ेगा। सरोज खुद से बातें कर ही रही होती है कि उसकी बेटी रिया कमरे में आती है और लाइट्स ऑन करके बोलती है, अरे आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हैं? मैंने पास्ता बनाया है आज, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी। ठीक है बेटा, तो चल मैं आई। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तभी रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ बताओ ना मैंने कैसा बनाया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी, लेकिन ये पास्ता सैंडविच की जगह नॉर्मल खाना भी बनाना तो सीख ले, ससुराल में सब ये तो नहीं खाएंगे ना। ओके माँ मैं सीख लूंगी आपसे, कौन सा अभी शादी हो रही है? अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हूँ, इन 2-4 महीनों में हो जाएगी तुम्हारी शादी, समझी? ओके माँ आई लव यू, आप मेरी बहुत अच्छी मॉम हो। आई लव यू टू रिया, अभी तो प्यार से बोल रही है, सच बताने के बाद बेटा तुम उससे नफरत ना करे, क्योंकि मैं तेरी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अब जाकर सो जा। माँ आज आपकी गोद में सोने का मन कर रहा है, मैं सो जाऊँ ना? पता नहीं मन अजीब सा हो रहा है,
इसलिए बस। ओके बेटा सो जा, क्योंकि अब से तेरा प्यार बटने वाला है। क्या आपने बोला कुछ? अरे नहीं बेटा। कुछ देर बाद सरोज की गोद में रिया सर रखकर सो ही रही होती है कि रिया उसे लोरी गाने को कहती है। तभी भावुक होकर नम आंखों के साथ सरोज उसे लोरी गाकर सुनाती है। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदे आंखों में आए बिटिया मेरी सो जाए। सो गई, आज बताना ठीक नहीं था, कल लाऊंगी शनाया को तो कल ही बता दूंगी। सुबह हो जाती है, सरोज उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जा ही रही होती है। तभी रिया बोलती है, माँ इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं? बस तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तो उसे लेकर आती हूँ मैं, तू थोड़ा इंतजार कर, मैं तुझे आकर बताती हूँ। ठीक है माँ। ये बोलकर सरोज चली जाती है। कुछ देर बाद वो शनाया को अपने साथ घर लेकर आती है। रिया उसे देखकर सरोज से बोलती है, अरे माँ ये कौन है? बेटा मुझे गलत मत समझना, ये समझ ले तुझे बताने का सही मौका नहीं मिला, इसलिए अब बता रही हूँ, ये शनाया है तेरी बहन। माँ ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? अगर बहन होती तो आपने इसे यहाँ पहले क्यों नहीं रखा? रिया ये मेरी बेटी नहीं है, तेरे पापा की दूसरी पत्नी से उनकी बेटी है, तेरी बड़ी सौतेली बहन। मेरी सौतेली बहन पापा की दूसरी वाइफ? तो आप इसे यहाँ क्यों लाई है माँ? क्यों, क्या अब से ये यहीं रहने वाली है? बेटा तेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि मैं शनाया को अपने साथ रखूं, इसलिए इसकी मम्मी की डेथ हो गई है और अकेले रहेगी भी तो कहाँ, इसलिए बेटा अब से तुम दोनों अच्छी बहनें बनकर साथ में रहोगी। माँ मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ इसे, ये मेरी सौतेली बहन है और हम प्यार से रहें? माँ ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। रिया रोते हुए कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरोज शनाया से बोलती है, शनाया तुम रिया की बातों का बुरा मत मानना, उसे ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, जाओ तुम अपना सामान कमरे में रख दो, तुम दोनों का एक ही कमरा है, उससे प्यार और फ्रेंडशिप करने की कोशिश करो। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी बात समझ रही हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, क्या मैं आपको छोटी माँ कह सकती हूँ? हाँ। थैंक यू छोटी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रिया मुझे समझे और अपनी बहन के रूप में अपना ले। ठीक है बेटा, तो उसके पास जा, रिया उदास हो गई होगी, मुझे ब्रेकफास्ट में उसके लिए कुछ स्पेशल सा बनाना चाहिए। हाँ उसके लिए पोहा बना देती हूँ। सरोज ये बोलकर उसके लिए पोहा बना देती है। साथ ही शनाया सरोज की मदद करने किचन में आ जाती है। ये देखकर रिया को बहुत जेलसी फील होती है और वो खुद से बोलती है, बस यही तो देखना बाकी था, अभी आई नहीं कि माँ ने उसे अपना लिया और माँ के साथ कैसे हंसकर खाना बना रही है, कहीं ये माँ से मुझे दूर करके उन्हें मुझसे छीन ना ले। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, माँ बस मेरी है, उन्हें मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती और ना ही कभी करूँगी। अरे रिया बेटा तो यहाँ क्या खड़ी है, तू भी आना यहाँ, देख मैं क्या बना रही हूँ तेरे लिए। आओ ना रिया, छोटी माँ तुम्हें बुला रही है। ना चाहते हुए भी रिया मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ देर बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। रिया शनाया को पसंद नहीं करती थी, लेकिन शनाया भी हार नहीं मानती, वो उसकी हेल्प या उसके क्लोज जाने के लिए बहाने ढूंढा करती थी, कभी अपने हाथ से उसके लिए फेवरेट डिशेस बनाती और तो और उसके स्टडी टेबल को भी सेट कर दिया करती। ऐसे ही एक दिन रिया अपने रूम में रोते रोते अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बातें कर रही होती है। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, कितनी बार बोलूं रोहित मेरे लिए एज अ फ्रेंड है, तुम गलत वे में ले रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विक्रम, दैट्स नॉट ट्रू, प्लीज विक्रम ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। रिया क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मुझे बताओ क्या बात है? वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, गलत समझ रहा है, उससे ब्रेकअप कर लिया, मैं कैसे रहूंगी? रिया उसके गले लगकर सारी बात बताती है। तभी शनाया कहती है, बस बस रिया रोना बंद करो, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वो तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो तुम अपनी जगह ठीक हो, बिल्कुल सही हो, राइट? हाँ मैं सही हूँ, उसने मुझे मेरे फ्रेंड के साथ देखा था इसलिए गलत समझ लिया। रिया मेरी बात ध्यान से सुनो,
तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके? एंड उसने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें ब्लेम करके तुमसे ब्रेकअप किया। ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो लड़का तुम्हारे ट्रस्ट के बिल्कुल लायक नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाता। लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छे लड़के मिलेंगे। ट्रस्ट मी, उस कमीने को गाली सुनाकर अपना गुस्सा उतारो और आगे बढ़ो। शनाया की बात सुनकर रिया विक्रम को बहुत गालियाँ देती है और अच्छे से सुनाकर उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है, थैंक यू शनाया, मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके। इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी बहन हो, कैसी भी सही तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम मेरी कितनी हेल्प करती हो और मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अब से तुम मेरी सौतेली नहीं, सगी बहन हो। थैंक्स रिया। कुछ देर बाद दोनों बहनें साथ में खाना बनाकर सरोज को खिलाती है। दोनों को साथ में देखकर वो हैरानी से बोलती है, शनाया, रिया, तुम दोनों साथ में? मैं सपना देख रही हूँ क्या? तुम दोनों ने साथ में खाना बनाया है? हाँ माँ, हम दोनों ने साथ खाना बनाया है। अब से हम साथ में रहेंगे। भगवान का शुक्र है, बच्चियाँ एक हो गई, अब दोनों साथ रहेंगी। छोटी माँ आइए, हम दोनों आपको खिलाएंगे। और ये देखिए, रिया ने बनाया है शाही पनीर और नान विद राइस। तुमने तो बहुत जल्दी रिया को खाना बनाना सिखा दिया। छोटी माँ, रिया बहुत टैलेंटेड है। इस तरह दोनों बहनें अब प्यार से रहने लगती है। इसी बीच सरोज के पास उसकी बड़ी बेटी यानी शनाया का रिश्ता आता है। सरोज को शनाया के लिए केतन नाम के लड़के का रिश्ता पसंद आता है और पंडित से कहकर वो उसकी शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकलवाती है। घर में सब बहुत खुश होते हैं और रिया शनाया के गले लगकर बोलती है, मेरी बहन की शादी, वाव, अब तो मैं शनाया की शादी में बहुत मजे करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ शनाया कि तुम्हारी शादी होने जा रही है। बहुत मजे करना। अरे बेटा, तो अभी से रोने लगी, अभी विदाई थोड़ी हो रही है तेरी। दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी जिंदगी में माँ और बहन की कमी पूरी हो गई। माँ, हम न कल शनाया की शादी की शॉपिंग करने चलेंगे। हाँ, अब रोना भी बंद कर दे शनाया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। रिया बेटी, जरा करियो। रिया और सरोज एक दूसरे को इशारा करती हैं और फिर वो शनाया को गुदगुदी करने लगती है, जिसके बाद वो बहुत हंसने लगती है। 5 दिन बीत जाते हैं। शनाया के हल्दी की रस्म हो रही होती है। पहले सरोज उसकी हल्दी लगाती है और फिर रिया उसे हल्दी लगाने लगती है। उसके हल्दी लगाते लगाते वो शनाया को पूरी तरह हल्दी से रंग देती है, जिसके बाद शनाया बोलती है, रिया की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, तुझे पूरी तरह हल्दी ना किया तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। वो रिया के पीछे भागने लगती है। ऐसे ही अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है, जिसमें रिया अपनी सौतेली बहन को प्यार से मेहंदी लगाती है। अगले दिन रिया शनाया को दुल्हन बनाकर तैयार कर देती है और रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर शनाया बोलती है, अरे पगली, शादी मेरी है और तू रो रही है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन को? तू मुझे छोड़कर चली जाएगी अब। पहले तो मैं तुझसे अपनी सारी चीजें शेयर किया करती थी, लेकिन अब मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। बस अब रोना बंद कर, आई लव यू बहुत सारा। मैं भी आई लव यू टू बहुत सारा। चल नीचे, जीजू आ गए होंगे। इस तरह रिया शनाया को बाहर मंडप तक लेके जाती है। फिर पूरे विधि विधान के साथ शनाया की शादी केतन के साथ हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।